Okay, today we start table tag. Okay, table tag. Table tag क्यों यूज करते हैं हम लोग? टेबल टैग का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम किसी भी डेटा को प्रॉपर वे अरेंजमेंट में रखना है तो टेबल, आप देखते हो टेबल में क्या होता है, रो होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और टेबल में आपका कॉलम नेम भी होता है, टेबल का नेम, कॉलम का नेम। तो आपका जैसे अगर एक्सेल में अगर जैसे देखा जाए तो एक्सेल नॉर्मल, हमने यहाँ पे नोट पैड ओपन किया, नोट पैड प्लस प्लस, यहाँ पे गए नोट पैड पे, इसमें हम लोगों ने क्या किया, HTML, ये आपका हेड और ये टाइटल दिया, डेमो टेबल टैग। ओके, तो टेबल टैग क्यों यूज करते हैं हम लोग? प्रॉपर वे में डेटा को अरेंज करना है, ठीक है, टाइटल को क्लोज नहीं किया, ठीक है। ओके, इसको हम थोड़ा सा सेव कर लेते हैं, इसको फाइल में गए हमने, सेव किया। सेव कैसे करते हैं? कंट्रोल एस या फिर फाइल में जाके सेव, और उसके बाद सेव करते समय हम दो चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि फाइल का नेम .html। तो फाइल का नेम हमने सपोज दैट यहाँ पे टेबल दे दिया .html, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, फाइल का नेम कुछ भी हो सकता है, बट .html होना चाहिए या तो HTM। ओके, और यहाँ पे फाइल टाइप है, इसको हमने सेव कहाँ पे कर रहे हैं ये देखना ज़रूरी होता है, ठीक है, फाइल का नेम और लोकेशन। कभी कभी होता है हम लोग ध्यान नहीं देखते हैं, ये कहीं पे भी ऐसे सेव हो जाएगा और फिर बाद में ढूंढते फिरते हैं कहाँ गया कहाँ गया। तो माई डॉक्यूमेंट में हमने ये सेलेक्ट किया, तो माई डॉक्यूमेंट में आपका सेव होगा। ओके, तो माई डॉक्यूमेंट में सेव हो गया। अब इसमें इसी को कंटिन्यू करते हैं, आप बॉडी लगाते हो तो आप चाहे बॉडी लगाओ या फिर आप डायरेक्टली वैसे टेबल टैग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, टेबल में आपने टेबल को ओपन किया तो टेबल को क्लोज भी करना पड़ेगा, और जैसे आपने HTML ओपन किया तो HTML भी क्लोज करें। टेबल में हमारे पास एक होता है TR, TR का मतलब होता है टेबल रो, टेबल रो जी, टेबल रो। इसको चाहे तो आप यहाँ पे कमेंट करके, ऐसे हमने जैसे कमेंट कैसे किया जाता है, ऐसे किस तरीके से, TR means टेबल रो। ओके, टेबल रो। अब एक TR आपका क्या करेगा, एक रो क्रिएट करेगा, और इसमें जितने भी हमें हेडिंग बनाना है, जो टेबल का पहला रो होता है वो टेबल का हेडिंग दर्शाता है कि इसमें किस टाइप की वैल्यू रखी जाएगी। तो आप यहाँ पे TH दोगे और TH को आप यहाँ पे क्लोज करोगे, टेबल आ गए। सपोज दैट जैसे हमने यहाँ पे नेम दे दिया, ओके, और उसके बाद फिर हमने एक कॉलम के नेम दे दिया, दूसरे कॉलम में हमने दे दिया सपोज दैट नेम एज दे दिया, ओके, ऐसे ही हमने दे दिया एड्रेस, ओके, एड्रेस, ये हमारे पास TR हो गया, एक रो हमारे पास कंप्लीट हो गई, पहली रो जो हमारे पास टेबल के हेडिंग के लिए होता है वो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये कमेंट जैसे आपने किया था इसी को हम यहाँ पे भी कर देते हैं, ये TH का मतलब है टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग का मतलब वो थोड़ा सा मोटे में होगा, थोड़ा सा सेंटर में भी होगा, टेबल हेडिंग का मतलब है कि बोल्ड एंड सेंटर। ओके, तो अभी हम लोग इसको रन करा करके भी दोनों को इफेक्ट देखेंगे, बट इसी चीज़ को अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड रो में हम लोग एंट्री करते हैं, तो अगली रो होगी तो TR हो गया, ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने TR के बाद हमारे पास TD होता है, तो TD में पहला हमारे पास एक और करेस्पॉन्डिंग नेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे TD देंगे, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, TD मीन्स टेबल डेटा, TD मीन्स
टेबल डेटा टेबल डेटा जो आप उसमें फिल कर रहे हैं। ओके ऐसे जितने भी हमारे पास हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा डेटा भी होगा। तो आपने क्या किया टेबल डेटा भी आपने पुट कर दिया। टीडीटीडी आपको लगाना पड़ेगा जितने भी टाइम्स आप करोगे। ठीक है और उसके बाद ये आपका टेबल रो क्लोज है। ओके इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा अगेन दूसरे रो की डेटा अगर हमें इंसर्ट करना है तो टी आर लगाएंगे और ये टी आर हमारा क्लोज होगा। ऐसे ही हमारे पास ये कंटेंट्स टी डी के लिए भी होंगे नेक्स्ट टी डी होगा। यहाँ पे चाहे तो आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है सपोज दैट यहाँ पे यूँ ऐसे कर दिया आपने वेबसाइट नेम। अगर हमें कुछ इस तरीके से देना है वेबसाइट का नेम देना है तो वेबसाइट नेम दे दिया तो फिर यहाँ पे अमित सुमित रमेश दिनेश की जगह पे फिर क्या हो जाएगा वेबसाइट नेम। यहाँ पे फिर हम वेबसाइट का नेम देंगे। ओके ओके ऐसे ही हमने यहाँ पे अगर टेबल हेडिंग हमारा क्या होगा यहाँ पे ईमेल होगा तो ईमेल एड्रेस होगा तो ईमेल हम यहाँ पे देंगे। ओके ईमेल एड्रेस या फिर वेबसाइट नेम हमारे पास ईमेल एड्रेस हो गया तो ईमेल एड्रेस के अकॉर्डिंग ही देंगे। ओके तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे अगर हमने दिया तो ईमेल एड्रेस होगा तो हेल्प डेस्क एट द रेट माई इंडिया सर्विस। ओके ऐसे हमारे पास यहाँ पे सपोज दैट कॉन्टैक्ट हो गया तो कॉन्टैक्ट वो हो जाएगा कॉन्टैक्ट आपने सपोज दैट इस तरीके से दे दिया कहने का सेंस ये है कि करेस्पॉन्डिंग टेबल हेडिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे टेबल के कॉलम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे डेटा को फिल करेंगे। ओके ऐसे ही यहाँ पे सपोज दैट हमने iht.com करके दे दिया। ओके फिर इसी के अकॉर्डिंग इसका ईमेल आईडी हो जाएगा जो भी होगा। ओके जीमेल है तो जीमेल आपने दे दिया। ठीक है जो भी आपका होगा gmail.com। तो करेस्पॉन्डिंग जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से हम टेबल हेडिंग बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे उसका डेटा भी देंगे। तो टीडी का मतलब हमारे पास टेबल डेटा। ओके तो यहाँ पे हमने टीडी और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ही होगा। ठीक है इसके बाद इसको क्या करोगे आप कंट्रोल एस कर दिया तो फाइनली हमारा सेव हो गया। अब इसको आप रन कराओगे तो आप यहाँ पे रन पे गए लॉन्च इन गूगल क्रोम में किया आपने। ये आपका रन हो रहा है ये डेटा आपका देखिए थोड़ा सा इस तरीके से जो आपकी टेबल हेडिंग है ये सेंटर में दिखा रहा है और ये www.myindiaservice.com ये जो है आपका एकदम लेफ्ट अलाइनमेंट में दिखा रहा है। लेकिन रो कौन सा है कॉलम कौन सा है ये क्या दिखा रहा है थोड़ा सा ये बॉर्डर हमें शो नहीं हो रहा है। ये दिख रहा है इतना कि ये पहली रो है ये ऊपर वाला आपका TH वाला रो है और उसके बाद ये सेकंड TD वाला है फिर इसके बाद फर्दर TD वाला है। ओके तो इसी चीज़ को अगर हम सेपरेट करके देखना चाहते हैं खुली तरीके से तो आप यहाँ पे क्या करोगे टेबल टैग जो दिया गया है टेबल में हमारे पास बॉर्डर होता है बॉर्डर इज कॉल टू यहाँ पे 2 pixels 3 pixels जो भी आपको देना हो दे सकते हो। ओके जितना पिक्सल्स आप बढ़ाओगे उतना बॉर्डर आपका मोटा आएगा। ओके कंट्रोल एस करके आपने फिर से क्या किया उसी को फिर से आप रन कराओ क्योंकि हमने पिछला वाला क्लोज कर दिया था। ठीक है अब ये देखो आपका
ये यहाँ पे आप देखो बिना बॉर्डर का है, यहाँ पे बॉर्डर पे, तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी रो है कौन सी कॉलम है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका क्या करेगा, बॉर्डर भी क्रिएट करेगा टेबल के लिए। कभी कभी हमारे पास ऐसे भी होता है कि हम दो रो को भी जोड़ते हैं, दो कॉलम को भी जोड़ते हैं। जैसे अभी कॉन्टैक्ट की जगह पे अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज दैट कॉन्टैक्ट में हमारे पास एक ईमेल होता, सॉरी कॉन्टैक्ट में हमारे पास एक फ़ोन नंबर होता, एक मोबाइल नंबर होता, तो हमें दो कॉलम फर्दर अगेन चाहिए था कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। जैसे आप यहाँ पे करते हो ना, जैसे ये सपोज दैट आपका ये पेंट पेंट दिख रहा है, पेंट ये है सपोज दैट। कभी कभी ऐसे होता है ना आपके पास, ये हमने एक पेंसिल ले लिया, पेंसिल पेंसिल कलर कलरफुल ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एक नॉर्मली टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये आपका ये, अब इसमें इसके अंदर भी हो सकता है कि आपका इसमें दो पार्ट हो। सपोज दैट यहाँ पे नेम आपने दिया है, यहाँ पे आपने नेम दिया है, नेम में हमारे पास हो सकता है फिर से यहाँ पे नेम के बाद हमारे पास हो सकता है फर्स्ट नेम हो, सेकंड नेम हो, इसमें हमारे पास क्या हो, फर्स्ट नेम हो, इसमें फर्स्ट नेम हो, इसी में हमारे पास क्या हो, लास्ट नेम हो, कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कुछ इस तरीके से अगर हो सकता है तो ये चीज़ें हम टेबल में कैसे करेंगे, ये टेबल ही तो है एक तरीके से, तो वहाँ पे कैसे करेंगे। अगर हमें दो कॉलम को अगर हमें मर्ज करना है इस तरीके से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज दैट अभी हम क्या करते हैं कि ये जो आपका दिया गया इसी में हम एक और टी एच हेडिंग ले लेते हैं यहाँ पे, इसी में ये आपका टी एस हेडिंग है। टी एस हेडिंग में हम लोग क्या करें, ईमेल एड्रेसेस एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस में एक लोकल एड्रेस ले लेते हैं, परमानेंट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सपोज दैट ए डबल डी आर टी एच ले लिया हमने, और यहाँ पे हमने ए डबल डी आर ए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारा टेबल क्या होगा, फिर से मॉडिफाइड करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके किसी दूसरे में करते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, एक नया टेबल करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे रो स्पैन एंड कॉल स्पैन, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, डेमो, कॉल स्पैन डॉट एच टी एम एल, ये भी माई डॉक्यूमेंट में ही से हो रहा है। अब यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सिंपल सा, इसका तो मतलब पता हो गया, यहाँ पे भी इसको हटाते हैं थोड़ा सा, इसमें सीधा सीधा यहाँ पे इसको, अब इसमें एक हेडिंग अगर हमें लेना है तो इसमें टीएच हमने लिया, एड्रेस लिया, एड्रेस हो गया। अब एड्रेस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, दो एड्रेसेस लेना पड़ेगा ना, लोकल एड्रेस आओ परमानेंट एड्रेस, तो हमें ऊपर वाले रो को क्या करना है, मर्ज करना है। तो यहाँ पे भी हमें दो तरीके से, ये जैसे टीएच आपने लिया है इसी में कंट्रोल सी करते हैं, फिर से फर्दर हमें सेकंड रो में लोकल और परमानेंट करना पड़ेगा, लोकल एड्रेस, और फिर से आपका कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये आपका परमानेंट एड्रेस। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो अगर इसको हम रो स्पैन नहीं करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, कॉल स्पैन नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरीके से कॉल स्पैन इक्वल टू, यहाँ पे हमें टू करना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले में क्योंकि दो की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके करस्पॉन्डिंग सिंगल में सिंगल सिंगल टू पॉइंट हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एंड्रॉइड शो करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एड्रेस हो दे देंगे कंट्रोल सी। इसको हमने कंट्रोल भी किया, यहाँ पे ये टेबल हेडिंग की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, टेबल डेटा। सर अगर हम बॉर्डर नहीं देंगे तो आउटलाइन नहीं आएगी टेबल में? नहीं, अगर हम बॉर्डर नहीं देते हैं तो आउटलाइनिंग नहीं देगा। सर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, साउथ है। साउथ एक्स पार्ट 1। इसके बाद परमानेंट एड्रेस, या फिर यहाँ पे सपोज आउट हमने दिल्ली दे दिया, साउथ एक्स पार्ट 1 न्यू दिल्ली। आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ पे है? कृष्णा नगर ओके। जैसे कुछ लोग आकर के आउटसाइड से भी दिल्ली में रह रहे हैं, जैसे सपोज दैट कोई परमानेंट एड्रेस यहाँ पे थोड़े समय के लिए स्टे हुआ है, तो आपका लोकल एड्रेस हो गया, और जो यहाँ पे उसका परमानेंट एड्रेस है जो हमेशा के लिए जहाँ से होम टाउन जो होता है वो आपका होम टाउन। तो आपका होम टाउन है कर्नाटक, तो यहाँ पे बेलगांव कर्नाटक, ठीक है। बेलगांव ओके। तो ये आपका क्या है, लोकल एड्रेस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, परमानेंट एड्रेस। तो लोकल एड्रेस का मतलब यही होता है कि जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए स्टे हो, जब आपका जो होम टाउन होता है वो आपका परमानेंट एड्रेस। ओके, तो अब इसको अगर आप रन कराओगे, इसको लॉन्च करोगे, लॉन्च इन गूगल क्रोम, तो ये आपका देखो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है दोनों आपस में मिला हुआ है, और ये आपका क्या है, अलग अलग का, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप अपने से एक बार ट्राई करके देख लो, किसी भी डेटा को आप देखो, जो TH होता है ना वो हमेशा सेंटर में आता है। देखो आपका ये TH है, ये भी TH है, सेंटर में है, और ये आपका जो है TD है, इसलिए लेफ्ट से आएगा। ओके, टेबल्स, तो टेबल क्यों करते हैं, किसी भी डेटा को प्रॉपर तरीके से अरेंज करने को। ओके, तो चाहे तो इसको आप ट्राई करके